कोई नहीं देता। आप कोई सी ग्रेड डी ग्रेड उन सब की बात करोगे तो वहाँ तो ना फिल्में बन रही हैं और वहाँ अलग, उन सब की मैं बात नहीं कर रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट जो राइट फिल्म मेकर्स हैं, राइट कंपनीज हैं, राइट जो जो रियल सेंस में सिनेमा बनाते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। भाई बहुत उसका इम्पैक्ट हो रहा है। और आमिर खान के सीरियल की जो सबसे बढ़िया खास बात है कि देखिए उसने एक पत्रकार नहीं है लेकिन एक पत्रकार की जिम्मेदारी को इतना कमाल निभाया है कि माफ़ करिए कि पत्रकार नहीं निभा पाते उस जिम्मेदारी को। उसका रीज़न क्या, वो किसी पे लांछन नहीं लगा। हम वो कोई टीआरपी बढ़ाने के लिए ये नहीं कह रहा कि इसको ऐसी की तैसी करो, ये चोर है, ये बदमाश है, ये पलाना है, ये टिकाना है, कोई लास्ट में तीन लाइनें नहीं बोल रहा कि कोई अपनी अपना स्टेटमेंट नहीं दे रहा। वो सिर्फ बता रहा है कि भैया देखो, और वो कोई अदालत भी नहीं बैठा रहा कि ये इस लड़की को बिठाया और सामने उसके बॉयफ्रेंड को बिठाया और दोनों में लड़ाई झगड़े नहीं करा रहा। वो कोई उन सबसे कोई, वो सिर्फ ये बता रहा है कि देखो ऐसी प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम का निदान कैसे किया जाए, चलो एक चिट्ठी लिखते हैं और इसके लिए कोड बनाई जाए, इसके लिए चीज। तो ही इज थिंकिंग वेरी पॉजिटिव। उसको कोई पब्लिसिटी नहीं लेनी है, उसको कोई अपनी टीआरपी नहीं बढ़ानी है, उसको कोई ड्रामा नहीं करना है। चैनल पर टीआरपी बढ़ानी है जी, चैनल को टीआरपी बढ़ानी होगी। आमिर खान उस तरह से नहीं पेश आ रहा कि चैनल को टीआरपी बढ़ाने के लिए वो कोई काम कर रहा है। वो चाहता तो कर सकता था ना, इधर लड़की को बुला रहा है, उधर उसके बॉयफ्रेंड को हस्बैंड को बुलाता कि साहब आपको क्या है, और दोनों में लड़ाई झगड़े हो जाते, ऐसे बहुत से शो आते रहते, मारपिटाई हो जाती। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी का, वो ऐसा तो नहीं कर रहा। वो सिर्फ क्या कर रहा है कि वो एक समस्या बता रहा है कि भाई देखो ये बेटी की समस्या है, बच्चे की समस्या है, ये समस्या है, वो इस समस्या के निदान के लिए क्या किया जाए, लॉ क्या है, कानून क्या है, उनके लिए जूस क्या है, लोग उसका ही उस दिन कौन सा उसका मैं पहले ही जो उसका एपिसोड आया था जिसमें लोग शॉक्ड हो गए कि भाई बीवियों पे टॉर्चर का इसका उसका, लोगों को लगता था कि भैया ये पढ़े लिखे लोगों में नहीं है। वहाँ समझ आया कि यार बड़े शहरों में ज़्यादा है बल्कि छोटे शहरों में कम है। तो वो सेंसिटाइजेशन नहीं कर रहा किसी चीज़। दैट्स व्हाई मुझे तो पसंद है उनका प्रोग्राम। आप आमिर के साथ कब फिल्म कर रहे हैं? ये सवाल तो आप आमिर साहब से पूछिए, मेरे से मत पूछिए। मैं तो आज भी करने को रेडी हूँ, लेकिन वो तो करें वो अभी बहुत बिजी है और मैं अभी अपनी इस फिल्म में सिंह साहब द ग्रेट में बिजी हूँ। लेकिन वक्त और समय आया और ऐसा कभी कोई स्क्रिप्ट आई कि जो उनके साथ मैं कर सकता हूँ तो मेरी बड़ी इच्छा होगी, मैं ज़रूर करना चाहूँगा। कैसी फिल्म होगी सिंह साहब द ग्रेट? सिंह साहब द ग्रेट एक कलेक्टर की कहानी है जो कि किस तरह से सिस्टम और भ्रष्टाचार और करप्शन से एक ईस्टर्न यूपी जैसी एक जगह में जाता है, वहाँ कैसे उसको टैकल करता है, और मैंने मेरे हिसाब से कि कैसे इन सिचुएशंस को टैकल किया जाए, क्या रास्ता बनना चाहिए, पॉजिटिविटी क्या है कि भाई ये कोई मारपिटाई से आप जाके चार लोगों को मार के तो कोई चीज़ मिटा नहीं सकते, तो क्या रास्ता है, क्या वे है। वो मुझे जो रास्ता समझ आता है मैं वो रास्ता उसमें दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि भैया ऐसे, दैट्स वाई वो करेक्टर सिक्सा ग्रेट बनता है कि ही वो एक रास्ता देता है कि भैया इन चीज़ों को, जैसे खान साहब ने अभी अपने प्रोग्राम में एक रास्ता दिया, एक रास्ता देता है कि भाई कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें। जैसे अभी देश में तमाम मुद्दे सामने आ रहे हैं, कहीं आईपीएस मारे जा रहे हैं, कुछ हो रहा है, क्या किसी को बेज नहीं, कहीं ना कहीं नहीं, मैंने कोई ऐसा नहीं है कि कोई इस घटना से बेज नहीं, एक घटना नहीं लेकिन माहौल जो चल रहा है, जो आज का माहौल है, जो आज का देश है, उस देश में हम समस्याओं से सब जूझ रहे हैं और सब बातें कर रहे हैं। कोई इसको कैश कर रहा है समस्या को, कोई उस समस्या से भाग रहा है, दो ही तरीके हो रहे हैं। हम इस समस्या को, हम तो फिल्म मेकर हैं, हम तो पॉलिटिशियन है नहीं, हम तो चुनाव लड़के और पार्लियामेंट में बैठ के हम तो डिसीजन ले नहीं सकते, लेकिन अगर किसी भी चीज़ को राइट करना है तो दो ही रास्ते हैं राइट करने के, या तो पार्लियामेंट में राइट हो सकती है या पब्लिक में राइट हो सकती है, तीसरा कोई रास्ता नहीं है। या तो पब्लिक राइट हो जाए, नोएडा में हम पाँच साल पहले आए थे, नोएडा बहुत ब्यूटीफुल था, पब्लिक के हवाले किया था सरकार ने, अगर पब्लिक चाहती तो इसको और ज़्यादा ब्यूटीफुल बना सकती है, पब्लिक चाहती तो इसको आगे भी 5 साल में और ब्यूटीफुल बना सकती है, चाहती है तो बहुत कूड़ा कर सकती है। तो दो ही तरीके हैं समस्या से उतरने का और जूझने का, करूँ मेरे संग कोई दूसरा करे ना करे मैं तो करूँ, या पार्लियामेंट राइट करे, दो ही तरीके, तीसरा तरीका तो है नहीं दुनिया में सिस्टम को चलाने का। डीएम की भूमिका में कौन रहेगा? डीएम की भूमिका
सनी खुद कर रहा है ना, उसका टीम बन गया।